भादरवा शुक्ल पक्ष बीज मतलब बाबा रामदेव पीर की समाधि का दिन। बाबा रामदेव पीर की समाधि रणुजा में स्थित है। रणुजा में इस दिन से लेकर एक महीने तक मेला लगा रहता है। खटीक समाज द्वारा 10वें दिन रामदेव बाबा के नेजा निकलते हैं। यह यात्रा समाज भवन से निकलकर रण मुक्तेश्वर होकर डबोई आती है। इस यात्रा में विरोधी पक्ष के नेता श्री चंद्रकांत बत्थू ने बाबा रामदेव के बारे में बताया था। भादर सुद दूज को बाबा ने समाधि ली थी बाबा रामदेव पीर ने रणुजा के अंदर, इसलिए इसका महत्व माना जाता है और इसका मेला एक महीने तक चलता है। भादरवा तक एक महीने तक बाबा का मिलता है और खटीक समाज इसको बहुत सम्मान देती है। दशम के रोज खटीक समाज बाबा के नेजा निकाल करके और बाबा के स्थान पर जाती है और बड़े धूमधाम के साथ में मेले का आयोजन किया जाता है। ये ध्वजा लेके बाबा के दरबार में और वहाँ हाजिर होते हैं। बाबा रामदेव पीर ने दूज के दिन समाधि ली थी और बाबा ने हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। बाबा ने हर एक हिंदू धर्म के लिए, सभी के लिए अच्छे अच्छे काम किए थे और आंधे को आंखें दिए, लूले को पांव दिए, बाबा ने रोगियों के रोग मिटाए। हर एक धर्म के लिए बाबा ने बहुत अपने अपने अच्छा अच्छा काम करके बताया, इसीलिए बाबा को सभी समाज के धर्म, सभी समाज, सभी समूह के धर्म मानते हैं। खटीक समाज ने बाबा रामदेव पीर का जो समाधि ली थी भादरवा दोज के दिन, उस समाधि के उपलब्ध में हर साल इस तरह से ध्वजा लहराने के लिए जाते हैं, पूरा समाज इकट्ठा होता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव पीर जिसने इस भारतवर्ष के अंदर तमाम धर्म और तमाम लोगों के साथ में उनके होते हुए अन्याय को दूर किया है, उनके बिगड़े हुए काम बनाए हैं, जो लोग भी इस समाधि के ऊपर या ध्वजा चढ़ाते हैं या उसकी मान्यता मानते हैं, तो आज भी ऐसा माना जाता है कि उसकी मान्यता पूरी होती है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। जिस तरह से उसके ऊपर श्रद्धा रखी जाती है, ज़्यादातर राजस्थान के अंदर इसकी बहुत महत्वता है और बहुत पूजा होती है, इनको भगवान के तौर पर देखा जाता है। आज भी इनकी समाधि के ऊपर जो भक्त गया है उसकी तमाम मनोकामना पूरी हुई है और वो प्रगति की ओर आगे बढ़ा है। मैं मानता हूँ कि इस तरह से ध्वजा चढ़ाने से इस समाज की प्रगति होवे, बड़ौदा में समाज का नाम होवे और तमाम बच्चे युवान आगे ने आगे बढ़ते जाए ताकि इस देश की सेवा कर सके।